बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर से होंगे। मैं फारूक लियाकत, फार्म की वीडियो दिखा रहे हैं जी आपको। आज हम जानवरों के खुर बनवाने हैं, तो ये भी काम जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो जिससे जानवरों के पाँव वगैरह बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो भी चैनल पर नए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो बाकी कोई भाई पलाई पर माल रखवाना चाहता हो, बकरे छतरे बछड़े या बछड़ियाँ, माल हम रख रहे हैं, लेकिन हम तसल्ली करके रख रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है पंजाब सेफ है अभी, जो वायरस फैला हुआ उससे। तो बाकी आप माल रखवाना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज जानवरों के खुर बनवा रहे हैं, चेक करें। माशाल्लाह ये नुकरी बछड़ी है, तो इसके खुर बनवा रहे हैं आज, ये देखें। अच्छा जी, इसके बन गए सींग कह रहा हूँ, खुर बने हैं। चला इसको जरा, चला ये देखो, इसके बड़े बड़े हो रहे थे खुर, जरा बनवा दिए, सेट हो गए। चलो बांध दे इसको आप। अच्छा जी, ज्ञानी बछड़ी के भी खुर बनवा रहा हूँ जी, इसके भी बहुत बड़े बड़े हुए पड़े हैं देखो, तो इसको पेटी डल रही है, तो इसके खुर बनेंगे इंशाल्लाह, सेट हो जाएंगे। ये पेटी डाल दी है इसको, वाइट वाली के बन गए हैं,
अच्छा मोटा रस्सा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ऐसे ही है ना भाई? मोटा रस्सा इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। खोल दे बच्ची, ये गिर गई है। गिरती नहीं है, पेटी डलने से जानवर बैठ जाता है आराम से। ये देखो इसकी खुर भी बड़े हुए पड़े हैं, खुर के पीछे गिटियाँ जो हैं वो भी बड़ी हुई पड़ी हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है। ये देखो ध्यान करके, ये देखो कितने बड़े इसके खुर हुए पड़े हैं। बारीक रस्सा ज़्यादा तंग करता है, मोटा रस्सा हो तो उससे आराम से जानवर को तकलीफ भी कम होती है। ये देखें, हाँ जी हाँ जी, काले के पैर बनाने। We'll be right back.
इसको चला ले थोड़ा, अभी चलाइए इसको जरा। चलो बांध दे, अब इसको भी सुकून मिलेगा। Thank you.